फाइनली फ्रंट ग्रिल आ गई है बाहर, ये बाद बैक लाइट में टूट गई थी। बेटर दिख रही है आपको? और क्या शानदार लग रही है, मजा आ गया। सत श्री अकाल, सलाम एंड नमस्कार। हम हैं आपके होस्ट एंड दोस्त दिलप्रीत सिंह एंड वेलकम टू अनदर डे इन आवर लाइफ। मैं एंड आज मेरी माशा गद्दिया का बहुत बहुत स्वागत। सो हम जा रहे हैं कुछ फिटिंग्स कराने हैं अपनी न्यू थार के अंदर, जिसकी डिलीवरी आपने देखी अभी। सो एक्चुअली ये डिलीवरी से पहले मैं सब चीज़ें करा चुका हूँ, डिलीवरी सब चीज़ें फिटिंग हुई पड़ी हैं, लेकिन मुझे बाइक सॉरी मुझे गाड़ी लिए भी ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है। बट भाई मैं इतना ज़्यादा आलसी हूँ कि मैंने एक महीने से डिलीवरी को ली नहीं अभी तक एंड कोई शूट नहीं करा आपके लिए। बट कोई बात नहीं, नेवरदलेस अब कर रहे हैं, अब शूट करेंगे, अब सब कुछ करेंगे आपके लिए। एंड अब हम जा रहे हैं, मैं क्या क्या लाया हूँ आपको नीचे करके दिखाता हूँ सॉरी एक बारी, या वहीं पहुँच कर जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं, सामान लगवाते हैं, थार को रेडी करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया था बना ले, वैसे रैप करने का सोच रहा हूँ इसको, बट अभी कहीं माइंड मेकअप नहीं करा इस बारे में लेकर। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है उसको, उस चीज को लेकर। तो बट माशा आर यू एक्साइटेड बेबी? चले हैं, चले मेरे माशू, हैं चले घूमी घूमी चलेगा मेरे छात्र। तो मैं और माशा जा रहे हैं, आप भी चलो। हाँ जी माशू, माशू तो बहुत एक्साइटेड जाने के लिए। भाई आप एक्साइटेड हो देखने के लिए कि नहीं देखने के लिए हम क्या लगवा रहे हैं बाइक के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर? भाई देखो मैं मोटो ब्लॉगर हूँ बाय प्रोफेशन एंड बाय ब्लड, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए बाइक को छोड़ के गाड़ी बार 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 बोलना। बट स्टिल आई एम लर्निंग, हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। चलो चलते हैं। A few moments later. So, आज हम आए हैं 30,000 कोर्ट में, यानी ये है हमारे वकील साहब, बड़े क्यूट वकील साहब वैसे हमारे। एंड मेरे जितने भी पुराने कोई केसेस में कुछ इशूज वशूज थे वो सब क्लियर कराने आए हैं, NOCs वगैरह लेनी है हमने उनकी। तो थैंक्स लॉट टू हर याशिका, तो वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड बहुत बहुत शुक्रिया दिल से इनका। फिलहाल फ्रंट की ग्रिल ओपन हो रही है, यहाँ पर हमने रेंगुलर स्टाइल की ग्रिल ली है। हम काम कर रहे हैं लवली कार एक्सेसरीज से, हमारे नवा आउटलेट मिल गया यहाँ पर। आप जस्ट मिनट का बोर्ड देख रहे हो, यहाँ मैं नवा आउटलेट खोल रहा हूँ डाइनिंग। आपको इन्विटेशन देंगे जरूर, यहाँ एक मीटअप रखेंगे जैसे ही ओपन करेंगे। एंड फिलहाल हम थार के अंदर ये लगवा रहे हैं, हमारी माइनस वाली LED लाइट्स भी आ गई हैं, ये लगवा रहे हैं। शीशे हमारी थार के ना पीछे वाले ब्लैक नहीं थे, उनको जेड ब्लैक करवा रहे हैं। ये वाले 50 हैं, ये ठीक है, ओके हैं, हमने गाड़ी चलानी होती है भैया, ज़्यादा आशकी नहीं करनी हमने गाड़ी के अंदर। थार में लग बंबरी है फिलहाल, गंदी है और क्योंकि 2-3 दिन से ज़रा मौसम आने ख़राब था। एक बार ये रेडी हो जाए, उसके बाद बैक लाइट मेरी टूट गई थी, मतलब आपने जब ये सब चीज़ देखी सब जुड़ी हुई है, जब हम लेकर डिलीवरी देखी है तो बैक लाइट इसकी आई हुई है। ये आई थिंक आज अगर मैं लगवा लूँगा, आज मैं लाना भूल गया हूँ घर से के अलावा। और हाँ, एक मेरा मूड है, आपके सजेशन देते हो, मैं सोच रहा हूँ कि इसके एलॉयज जो हैं वो ब्लैक करवा दूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इसमें जो टायर्स हैं अभी तो नहीं, फिलहाल अभी थोड़े टाइम रुक के, अभी बजट नहीं है भाई, भाई का आपके थोड़े टाइम रुक के इसके टायर्स जो हैं उसको हम चेंज करा के थोड़े चौड़े डलवा दें, मतलब कि इसी में 18 इंच में थोड़े चौड़े टायर जो बाहर निकल रहे। भाई तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं थार का बम्पर खोलते खोलते, अभी तक इतने सारे पेचे दिखाता हूँ पहले आपको, पर पहले देखता हूँ ये पीछे का चलता है। यहाँ पर पिछली ये वाली फिल्म लग चुकी है, वो वाला मेरे शीशे की फिल्म उतरी थी वो मैंने वापस लगवा ली है। पीछे का अभी जेड ब्लैक हो रहा है शीशा ये वाला, और अभी ये लेफ्ट वाला भी हो जाएगा, तो गाड़ी हमारी पूरी जेड ब्लैक हो जाएगी भाई। मतलब अभी इतने सारे जो ये सब पेज देख रहे हो ये सब खुल चुके हैं, सिर्फ बम्पर बम्पर के अंदर से, अभी तक बम्पर बाहर नहीं हिला नहीं है कहीं से, ट्रस का मस नहीं हुआ, अभी भी लगे हुए हैं खोलने के लिए। तो और राउंड ऑफ मेरे ख्याल से शायद आधे घंटे से ऊपर, बल्कि 45 मिनट तो हो ही चुके हैं राउंड ऑफ इनको इस पर लगे हुए, अब फाइनली बाहर आने लगा है, वो वहाँ से बाहर आ गया। तो फाइनली फ्रंट ग्रिल आ गई है बाहर, तो ये पड़ी हमारी पुरानी ग्रिल, वो अभी रैप पड़ी है हमारी नवी ग्रिल, अभी हेडलाइटें भी खोलने, खोलो ये हेडलाइटें भाई, थार की शक्ल बदल गई है जैसे ग्रिल जैसे इसकी बाहर आई है।
मैं सोच रहा था कि ऑफ रोडिंग बम्पर भी लगवा लूँ, पर मैंने अभी लगवाया नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अभी ऑफ रोडिंग करता नहीं हूँ। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ कि ऑफ रोडिंग बम्पर लगवाऊँ या फिर इससे जो लुक, मुझे ना ऑफ रोडिंग की बम्पर की जो लुक है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसी रीज़न से मैं अभी तक लगवाया नहीं मैंने। बट आपके सजेस्ट करते हैं कमेंट डाउन जरूर करना कि लगवा लो या ना लगवाओ। तो देखो जी, हमने ब्लैक ग्रिल निकल लग चुकी है, रेड ग्रिल निकल चुकी है, DRLs ये वही लग चुकी हैं, एंड नीचे फोग लाइन में भी, वैसे मैंने भैया को बनाया था भैया, लेकिन प्यार से लगा दी तो हम कुछ कह नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। तो ये भी लग गई है, शीशे सारे काले हो चुके हैं, ऑल ओके ऑल रेडी। एंड अब आई थिंक बस यही काम रह गया, फिटिंग होगी इसके बाद बंद करेंगे। तो आई थिंक और आधे घंटे लगेगा, एक बार उसके बाद कपड़ा बड़ा मारेंगे इसके ऊपर, महिंद्रा का लोगो मैं देखता हूँ कुछ जुगाड़ करते हैं महिंद्रा का लोगो लगाने के लिए इसके ऊपर, वो लग जाएगा, फिर गाड़ी एकदम झक्कास करके रेडी हो जाएगी। A few moments later. So, भाई लोग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, लाइटें पहले उल्टी लगी थी एक्चुअली, एक साइड की तो एक ऊपर चल रही थी नीचे चल रही थी, अब दोनों ने टिक कर दी। अभी पूरी पोली फिटिंग पूरी अपनी लगाई, नीचे फोग लैंप देखो दूसरे नंबर लग गए, हम इंडिकेटर साथ में भी दिखाते हैं आपको। सो ये भी ऑल सेट है, एंड बस कनेक्शन रह गए हैं, देखो ये तार लटक रही है, तो कनेक्शन रह गए इसके। एंड टाइम हो चुका है भैया जी, इस टाइम पर मैंने गाड़ियाँ खड़ी करी थी तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, अभी 8 बज चुके हैं, लगे हुए तब से इसके ऊपर ओके करनी है। तो आज भी है रात को, वैसे ब्लैक जाली मुझे अच्छी लग रही है, बट ज़्यादा अच्छी लुक तब पता लगेगा जब एक बार वो हुड बंद होगा, तो देखते हैं ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन कैसे लगता है। रीज़न बिहाइंड कि मैंने रेड जाली नहीं लगाई इज दैट कि मैंने ना बड़ी सारी थार देखी जिनमें रेड जाली लगी हुई थी, प्लेन पूरी रेड थी, जो ये जो जाली आती है सिंगल कलर में आती है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा रेड बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट लगा था, मुझे पसंद नहीं आया, दैट इज़ वाई मैंने इसमें ब्लैक जाली लगवाई। मैंने कहा उसका ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, एंड जो जाली कंपनी आती है ना मुझे फोकस आते हैं। ये जो अभी कंपनी जाती है एक्चुअली क्या होता है, इसके साइड से तो रेड होती है लेकिन सेंटर से जो है ये ब्लैक या ग्रेइश मतलब गन मेटल ग्रे टाइप का कलर होता है। फाइनली सारी लाइटें हो चुकी हैं, चलो भी चारों इंडिकेटर लाके चेक कराते हैं आपको कैसी लग रही है। बहुत सेक्सी लग रही है यार, नीचे भी देख लो अभी इसमें ना रोशनी बहुत ज़्यादा तेज है, थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूँ, अब आई थिंक बेटर दिख रही है आपको, और क्या शानदार लग रही है, मज़ा आ गया। तो देखो ये जो फाइनल लुक ऐसी आई है इसकी,